Welcome back to all. In the previous videos, we discussed some numericals, some basics of index properties of soil and basic terminology like water content and some field practicals like how to measure the density, same by same replacement method and so on. So in brief, I discussed the index properties of soil. Now I take the some index properties like if you are as I discussed, there are two types of the basic soil. First categorized, first one is the coarse and another one is the fine. So what is the index properties which is important in the coarse soil is the particle size, relative density and grain size, and in fine soil Atterberg limit and consistency. These are the limit. Okay, so first of all we discuss about what do you mean by the grain shape. ग्रेन सेप क्या है या ग्रेन सेप को हम क्या समझते हैं, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. तो यदि हम इसे वन बाय वन देखें तो प्रैक्टिकली यूजफुल इन दी केस ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल एंड सॉइल ग्रेन्स आर आल्सो कॉल्ड बल्की इन केस ऑफ सैंड एंड ग्रेवल. इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्लेकी ग्रेन्स इन केस ऑफ सम माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल ऑफ द क्ले मिनरल्स एंड क्ले मिनरल्स लाइक कोलियोनाइट इज आल्सो सेड टू बी हैव नीडल शेप्ड ग्रेन्स. तो ग्रेन शेप से जैसे कि आप सीधा सीधा समझ रहे हैं कि ग्रेन शेप मतलब सॉइल की ग्रेन शेप क्या होगी, किस तरह की होगी, स्क्वायर होगी या फिर स्क्वायर शेप में होगी या सर्कुलर होगी, किस शेप में सॉइल्स होते हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है जो कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है. तो यहाँ पे कोर्स ग्रेन फाइन ग्रेन में यदि आपकी बल्कि ग्रेन सैंड ग्रेवल्स है तो अलग अलग टाइप के ग्रेन्स होते हैं सैंड और ग्रेवल्स में, एंगुलर, सब एंगुलर, राउंडर, राउंडेड, वेल राउंडेड. जैसे कि आपने एग्रीगेट्स देखे तो एग्रीगेट्स और ग्रेवल सिमिलर होते हैं. तो इनकी शेप्स कई तरह की हो सकती है, कुछ सर्कुलर होंगे, कुछ एंगुलर, ट्रेपेज़ॉइडल, इस तरह से अलग अलग शेप में होंगे, जिगजैग शेप में. और यदि कोई ग्रेन्स की जो एंगुलरिटी है वो यदि हाई है तो उसकी जो शियरिंग स्ट्रेंथ, जैसे कि मैंने कहा था सॉइल के केस में हम ओनली शियरिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो वो ज़्यादा होगी. ठीक है, तो यहाँ पर ये तो बेसिक सा एक आपका है कि वॉल्यूम आपको पता ही है कि यदि हम स्फेरिकल सॉइल को हम इक्विवेलेंट टू स्फेरिकल शेप अज्यूम करके चलते हैं. ठीक है, तो सॉइल पार्टिकल को हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो स्फेरिकल शेप में, देखिए इस तरह के जिगजैग शेप में ग्रेन्स होते हैं, लाइक एंगुलर्स है, ये सर्कुलर है, स्फेरिकल है. तो जितने एंगुलर्स आपके होंगे उतनी उनकी इंटरलॉकिंग हार्ड होगी. ठीक है, और जितनी इंटरलॉकिंग होगी उतना ही उनके बीच में उनकी शेयरिंग स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगी. ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. तो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज आपकी है वो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है या ग्रेन साइज एनालिसिस है. तो ग्रेन साइज एनालिसिस क्या होती है कि जो भी आपके अलग अलग साइज़ के जो ग्रेन्स हैं उनको आप सेपरेट कर देते हैं अलग अलग सीव्स में, उनको अलग अलग उनका फ्रैक्शन सब डिटरमाइन कर लेते हैं. तो ये मेथड कहलाती है आपकी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन. और इसे आल्सो हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनालिसिस भी कहते हैं. मैकेनिकल एनालिसिस इसलिए क्योंकि इसमें मैकेनिकल एनर्जी मतलब आप क्या करेंगे, कई तरह की सीव्स लेंगे और उन सीव्स में अलग अलग ग्रेन्स की जो साइजेज है उन साइजेस पर ग्रेन्स को सेपरेट कर देंगे. लाइक 75 माइक्रोन अलग हो जाएगा, 200 माइक्रोन अलग हो जाएगा, 4.75. तो अलग अलग जो इनका सेपरेशन होता है ये ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन कहलाता है. अब ये टू टाइप्स का होता है, आगे हम इसको पढ़ते हैं. और इसे हम क्या करते हैं कि क्वांटिटिवली प्रपोजन बना लेते हैं उनका कितने कितने परसेंट में. लाइक आपने 1 kg सॉइल ली है तो 1 kg सॉइल में क्वांटिटी के बेसिस पर कितने परसेंट सॉइल है जो फाइन है, कितने परसेंट है वो कोर्स है, फाइन में भी सिल्ट कितना, कितना क्ले है, कोर्स में भी कितना सेंड है, कितना ग्रेवल्स, कितना बोल्डर. तो इस तरह की अलग अलग साइजेस होती है. इस तरह का हम इनका वो करने के बाद एक सेपरेशन करने के बाद एक हम कर्व बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ओके, तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है. ये कुछ क्लासिफिकेशन है, इस पर आई एस स्टैंडर्ड आप आगे भी इसको डिस्कस करेंगे कि लाइक आपकी जो कोर्स सॉइल होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल जो होती है, सॉइल को जैसे मैंने कहा कि टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन. यदि 75 माइक्रोन की सीव से 50% मोर देन 50% पार्टिकल्स आपके ग्रेटर देन है तो वो
मतलब फाइनर नहीं है, ग्रेटर देन है, मतलब उससे ज़्यादा साइज के, 75 माइक्रोन की साइज से ज़्यादा है, तो वो सब कहलाती है कोर्स ग्रेन। और इसी की तरह यदि 75 माइक्रोन सीव पे यदि कोई सॉइल है उसका 50% ज़्यादा पार्टिकल फाइनर है स्मॉल साइज के, तो वो कहलाती है फाइन ग्रेन सॉइल। ये आप ध्यान रखिएगा, कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन, है ना। अब कोर्स ग्रेन के अंदर अंदर क्या क्या आते हैं, सेंड आता है, ग्रेवल्स आता है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, सेंड एंड ग्रेवल्स। और यहाँ पे देखेंगे तो सिल्ट एंड क्ले, 75 to 2 माइक्रोन इज सिल्ट एंड 2 माइक्रोन से कम है तो वो क्ले, और उससे ऊपर यदि जाता है 80 माइक्रोन, 80 mm से ऊपर, तो वो कहलाता है आपका कोबल्स और फिर बोल्डर 300 mm तक। तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, इस पर IS स्टैंडर्ड ये आपका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। देखिए अब ये इसका कुछ एक बेसिक चार्ट है सीव एनालिसिस का, किस तरह से हम करते हैं सीव एनालिसिस को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं स्पेशल केसेस सीव एनालिसिस के। पहला होता है कोर्स सीव एनालिसिस और दूसरा होता है फाइन सीव एनालिसिस। तो कोर्स सीव एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो कोर्स सीव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अडोप्टेड फॉर द ग्रेवल्स, ये ग्रेवल्स के लिए ही अडोप्टेड होता है सीव साइज। इसमें कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, 80, 20, 10, 4.75, ये 4 हम सीव साइज यूज़ करते हैं, और हमेशा ड्राई एनालिसिस करते हैं इसका, है ना, इसमें कभी भी वेट एनालिसिस नहीं होता। देखिए क्या होता है कि सीव एनालिसिस जो होता है ना वो हमेशा कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा, सीव एनालिसिस जो करा जाता है वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए करा जाता है। और कोर्स ग्रेन सॉइल का मतलब क्या हुआ, जो 75 mm से माइक्रोन से ऊपर की सॉइल है, ठीक है। और फाइन सीव एनालिसिस जो किया जाता है वो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए किया जाता है। फाइन ग्रेन सॉइल का मतलब क्या होता है, जो सॉइल जो सिल्ट और क्ले है, ठीक है, सॉरी कोर्स मतलब सीव एनालिसिस, या फिर हम सॉरी हम यदि इसको ब्रीफली समझे तो जो आपका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, जो आपका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका मैकेनिकल एनालिसिस, जिसको हम बोल सकते हैं सीव एनालिसिस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सेडिमेंट एनालिसिस, सेडिमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये जो मैकेनिकल और ये है सेडिमेंट एनालिसिस। तो सेडिमेंट एनालिसिस और मैकेनिकल एनालिसिस में क्या अंतर है, तो जो आपका मैकेनिकल या सीव एनालिसिस होता है ये आपका कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए क्या आता है, जो 75 माइक्रोन से ऊपर है, और ये जो सेडिमेंट एनालिसिस है फाइनर सॉइल, जिसको हम सीव से नहीं कर पाएंगे या इतनी फाइन सीव हमें अवेलेबल नहीं होगी, उसके लिए हम ये एनालिसिस लैब में कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा मैकेनिकल एनालिसिस या सीव एनालिसिस, तो सीव एनालिसिस को भी 2 पार्ट में बांटते हैं, एक होता है इसका कोर्स और एक होता है फाइन। तो कोर्स सीव एनालिसिस जो होता है वो ग्रेवल्स के लिए होता है, और फाइन सीव एनालिसिस जो होता है वो सेंड के लिए होता है, ठीक है। तो चूंकि ग्रेवल्स की साइज़ क्या होती है, 4.75 mm से ऊपर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो ग्रेवल्स होते हैं, तो वो 4.75 to 80 mm की साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेवल है, तो इसलिए हम 4 सीव जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे और ड्राई फॉर्म में लेंगे। इसी तरह हम फाइन सीव की बात करें तो 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन एंड 75 माइक्रोन, 7 सीव जो है इसमें, नंबर ऑफ 7 सीव हम इसमें फाइन सीव एनालिसिस में लेते हैं, और ये ड्राई और वेट दोनों कंडीशन में किया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सीव साइज होती है 75 माइक्रोन, इससे कम की साइज कोई होती नहीं है। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप देख लीजिए कि कोबल्स और बोल्डर्स की जो साइज होती है वो 80 to 300 mm तक होती है, और ये किसी भी ग्रुप में डिवाइडेड नहीं होते। ये जब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे तब आप इसको समझेंगे अच्छे से। प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, जो कि कोहेजन लेज इन ग्रेटर एक्सटेंट डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल डिपेंड अपॉन द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, लिटिल डिपेंड अपॉन द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, दे रदर डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर शेप एंड ग्रेन जियोलॉजिकल ओरिजिन। क्या मतलब हुआ इसका कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल है जनरली कोहेजन लेस होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करती ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे, क्योंकि जिस तरह का उसका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितना उनकी इंग्रेविटी होगी या जितने साइज के पार्टिकल उसमें मिक्सड अप होंगे, उतने ही उसकी प्रॉपर्टीज़ इनहेंच होगी या बढ़ेगी। जबकि फाइन ग्रेन सॉइल क्या होती है, जैसे जनरली क्ले सिल्ट, तो ये क्या होता है, ये इतना इसमें इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ये ज़्यादा डिपेंड करता है उसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा ये डिपेंड करता है, ठीक है।
उसकी ग्रेन की साइज शेप पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि शेप कैसी है, स्फेरिकल है या किस तरह की। और इसमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो होते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इसे आप ध्यान रखिएगा। इन फाइन ग्रेन सॉइल मतलब क्ले या सिल्ट में इंटर पार्टिकल फोर्सेस का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तब इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या होते हैं, कोहेजन, आप आगे एक टर्म पढ़ेंगे, जैसे कि मैं फर्स्ट डे से ही डिस्कस करता आ रहा हूँ कि सॉइल में दो अलग अलग इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं या इसके शियर स्ट्रेन पैरामीटर होते हैं। पहला होता है कोहेजन, दूसरा होता है फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो जो कोहेजन होता है ये इंटर पार्टिकल पैरामीटर या पार्टिकल टू पार्टिकल बॉन्ड होता है, एक तरह से कोहेसिव बॉन्ड। तो ये क्लेली सॉइल का नेचर होता है या क्ले का नेचर होता है, ठीक है। अब ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प इन डिटरमाइनिंग द ग्रेडेशन एंड यूनिफॉर्मिलिटी इन सॉइल, दिस नॉलेज हेल्प इन कंस्ट्रक्शन, अर्थन डैम, एम्बैंकमेंट एक्सेट्रा। चलो अब इसके और भी कई फायदे यूज़ होता है, डिजाइन ऑफ फाउंडेशन, कंप्रेसिबिलिटी, ग्रेन साइज एनालिसिस, कोर्स ग्रेन सॉइल इज कैरिड आउट बाय द सीव एनालिसिस। हाँ, ये आपको जैसे मैंने बताया कि ग्रेन साइज एनालिसिस ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इज कैरिड आउट बाय सीव एनालिसिस हम डिस्कस कर चुके हैं। और फाइन ग्रेन, ये देखिए जो मैंने आपको बताया था अभी कि ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमेशा कोर्स ग्रेन का सीव एनालिसिस के थ्रू होता है, और फाइन ग्रेन सॉइल का किसके के थ्रू होता है, इसका होता है सेडिमेंट एनालिसिस से, ठीक है। तो यही लाइन यहाँ पे इसने मेंशन करी है। अब फाइन सीव एनालिसिस जो कि 4.75 से कम की सीव के लिए होती है, तो ये दो तरह की होती है, ड्राई सीव और वेट सीव, ठीक है। अब एक कुछ इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे कि जब भी आईएस कोड के हिसाब से हम जो साइज़ होती है उसकी स्क्वायर जो साइज़ ऑफ द सीव होती है वो स्क्वायर ओपनिंग होनी चाहिए, मतलब जो छलनी होगी उसमें जो सीव की साइज़ होगी वो आपकी स्क्वायर शेप में होगी। सीव आप वेरियस साइज रेंजिंग फ्रॉम 80 to 75 mm अवेलेबल। देखिए सीव की जो साइज़ होती है वो हमेशा 80 to 75 microns तक की होती है, इससे ज़्यादा की साइज़ अवेलेबल नहीं होती है। और ऑल द सीव मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन द पर्टिकल सॉइल, द सेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीव्स इज डन टू ऑब्टेन द गुड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मतलब जो भी सिलेक्शन होगा सीव का वो हम इस तरह से रखेंगे कि अच्छे से अच्छा हमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिले, दैट मीन्स हमें हर एक रेंज के सॉइल का फ्रैक्शन पता लगे। तो इसलिए हम जो आईएस स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करेंगे। अब आपको मैं इसकी प्रोसीजर बता देता हूँ। अच्छा, इसको किस तरह से हम जमाते हैं, द सीव आर स्टेक्स वन ओवर द अदर विद डिक्रीजिंग साइज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। सबसे ऊपर हमेशा ऊंची साइज रहेगी, लाइक 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, 2 mm, 1 mm, इस तरह से हम इसको अरेंजमेंट करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, द लीड आर कवर इज प्लेस इन द टॉप ऑफ द लार्जेस्ट सीव, ए रिसीवर इज नोन एज द पैन विच इज नो ओपनिंग इज प्लेस्ड ऑफ द बटन ऑफ द स्मॉलेस्ट सीव। क्या करते हैं कि जो ऊपर वाला पोर्सन है, सपोज़ ये आपकी कुछ एन नंबर ऑफ सीव से 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसको सीव शेकर एक इंस्ट्रूमेंट होता है मैकेनिकल, तो यहाँ पे एक हम कवर लगा देते हैं और इसकी साइज़ सबसे हायर होती है और इस तरह से इसकी साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट में जो रिसीवर होता है यहाँ हम पेन यूज़ करते हैं, ये एक तरह से बॉक्स पैक्ड होता है, इसमें कोई सीव साइज़ नहीं होती और यहाँ पे अलग अलग सीव्स की ओपनिंग होती है, ठीक है। चलिए अब इसका प्रोसीजर आप समझ लीजिए, इस पर आईएस स्टैंडर्ड क्या होता है सीव एनालिसिस का, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। द सॉइल सैंपल इज टू बी टेस्टेड इन राइड लम्प्स एंड ब्रोकन इफ नेसेसरी, द सैंपल इज पास थ्रू द सीरीज ऑफ सीव्स बाय शेकिंग। वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी सॉइल सूखी होनी चाहिए, ड्राइड होनी चाहिए, ओवन ड्राइड होनी चाहिए, उसमें किसी तरह के लम्ब्स है तो उसे हम ब्रोक कर देंगे। फ्रैक्शन रिटेन ऑन द पासिंग 2 mm सीव्स इज टेस्टेड सेपरेटली, जितने भी फ्रैक्शन से जो रिटेन ऑन 2 mm रिटेन एंड पासिंग 2 mm सीव्स इज टेस्टेड सेपरेटली। जैसे कि हमने कहा है कि 4.75 टू 2 mm तक हम इसको देखेंगे, उसके बाद हम जो भी फ्रैक्शन से उसे हम फाइन सीव एनालिसिस से टेस्ट करते हैं। ऑटोमेटिक सीव सेकर का यूज़ करेंगे, 10 से 15 मिनट का इसका सेकिंग टाइम होता है जो कि सफिशियंट होता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, लार्जर पार्टिकल्स आर कॉट ऑन द अपर सीव्स वाइल द स्मॉलर वंस इज फिल्टर थ्रू द कॉट एंड द फाइन इन द स्मॉलर अंडरलाइंग सीव्स, ठीक है। वो बड़े बड़े पार्टिकल ऊपर सीव्स में आ जाएंगे, छोटे पार्टिकल सीव होते जाएंगे। मटेरियल रिटेन ऑन द पर्टिकुलर सीव्स शुड नेचुरली इंक्लूडेड रिटेन ऑन द सीव्स ऑन द टॉप
इट सीन्स द सीव्स आर अरेंज द वेट ऑफ द मटेरियल रिटेन ऑन ईच सीव इज कन्वर्टेड इन टू द परसेंटेज ऑफ टोटल सैंपल। आपको क्या करना है कि जितनी भी सीव्स पर जो जो पार्टिकल्स रिटेन हुआ है उनका वेट आपको टोटल वेट से करना। लाइक आपने 1 kg सॉइल को लिया है, उसको आप सीव कर रहे हैं, उसका सीव एनालिसिस आपको करना है, तो 1 kg के रिस्पेक्ट में कितना पार्टिकल्स है जो आपका 2 mm पे रिटेन हुआ, कितना 4.7 पे हुआ, कितना 1 पे हुआ, कितना 75 माइक्रोन पे हुआ, इस सब का कम्युलेटिव आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मटेरियल फाइनर देन द सीव इज ऑब्टेन बाय सब्सट्रेटिंग इट फ्रॉम 100। और आपको परसेंटेज फाइनर निकालना है। इसके बाद परसेंटेज फाइनर आप कैसे निकालेंगे, लाइक जितना भी मटेरियल आपका रिटेन है उसको 100 से माइनस कर दीजिए। लाइक 2 mm के सीव पे आपका मटेरियल रिटेन हुआ है 20%। ठीक है, तो 80% क्या है, वो फाइनर है, तो सब्सट्रेटिंग फ्रॉम 100। द मटेरियल पासिंग फ्रॉम द बॉटम मोस्ट सीव विच इज़ यूजुअली 75 माइक्रोन सीव इज़ यूज फॉर कंडक्टिंग द सेडिमेंटेशन एनालिसिस ऑफ द फाइन फ्रैक्शन। अब आपका जब नेक्स्ट होता है फाइन एनालिसिस, फाइन सीव एनालिसिस नहीं, फाइन सॉइल के लिए फाइन ग्रेन एनालिसिस जिसको कहते हैं, जिसके लिए हम सेडिमेंटेशन हाइड्रोमीटर और फिर पीपेड एनालिसिस का हम यूज़ करते हैं, तो वो 75 mm से जितने माइक्रोन से जितनी भी सीव आपकी पास हुई है उसके बेसिस पे हम उसका फर्दर ग्रेडेशन करते हैं और एक कम्युलेटिव चार्ट बनाते हैं जिसमें आपका फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन दोनों का एनालिसिस आ जाए। वो ग्राफिकल चार्ट कैसे बनता है, ग्राफ कैसे बनता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब सॉइल जो क्लेली नेचर की है वो इजीली 75 माइक्रोन की सीव से पास नहीं होती है ड्राई कंडीशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जो कुछ सॉइल है जो हमें जैसे नीचे पेन लगाना है 75 के, अब कुछ सॉइल है जो क्ले नेचर की है, क्योंकि वो ड्राई नेचर की है तो वो इजीली स्टेक दूसरे से चिपकी हुई रहती है बिना वाटर, मतलब बहुत नॉर्मल पानी की कंडीशन में भी, तो हमें क्या करना होता है उसकी वॉशिंग करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, 2 ग्राम ऑफ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट पर लीटर के हिसाब से हम क्या करेंगे, 1 लीटर पानी में हमने 2 ग्राम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट डाल करके उसकी वॉशिंग करी 75 माइक्रोमीम की सीव पे सैंपल रख करके, उसको धीरे धीरे हमने वॉश करा और जो भी सैंपल, उसके बाद जो सैंपल हमें जो भी पानी के साथ जो भी सैंपल निकल रहा है पेन में उसे हमने क्या करा, ओवन में रख दिया, जिससे कि जितना भी पानी था वो इवोपरेट हो गया। और उसके बाद फर्दर हम इसका सीव एनालिसिस करते हैं, फिर से हम उसे सारी सीव से पास कराते हैं, तो इस तरह का जो एनालिसिस होता है ये कहलाता है वेट सीव एनालिसिस, और ये केवल कोहेसिव ग्रेनुलर सॉइल में ही यूज़ होता है। ठीक है, अब जो भी इसका एक कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेशन होता है इस टेस्ट का, वो होता है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो कि हम हमेशा सेमी लो कोऑर्डिनेट, मतलब सेमी लॉगरिथमिक स्केल पे हम इसको लेकर के ड्रा करते हैं, और जिसकी ओरिजेंटल स्केल होती है लॉगरिथमिक, और जो वर्टिकल स्केल होती है, जो वर्टिकल इसका टाइटल होता है या इसका एक्सिस होता है उसका नाम होता है हमेशा वो होता है परसेंटेज फाइनर, और नीचे जो होता है आपका ओरिजेंटल पे वो होता है आपका साइज, कितनी साइज है उसकी पर्टिकुलर सॉइल सैंपल की, कितनी सीव साइज है। ठीक है, तो वो इसका ग्राफ आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से बनता है। इसका रिजल्ट आप देखिए, देखिए ये लाइक आपका 80 mm का सॉइल है और यहाँ पे आपने, ठीक है, ये आपने सॉइल ली है 0.5 kg। ठीक है, टोटल सॉइल आपने इतनी ली है। अब कितना वेट यहाँ पे रिटेन हुआ है पर्टिकुलर सीव पे, लाइक 10 ग्राम, 165, इस तरह से आपने अलग अलग सीव को अरेंज कराए। ठीक है, अब ये एक कम्युलेटिव रिटेन, ये सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है। कम्युलेटिव रिटेन क्या हुआ, इनको आप यहाँ पे सम करते जाएंगे, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, तो ये कम्युलेटिव आएगा। ये जो कम्युलेटिव लास्ट में आ रहा है ये आपको हमेशा एरर शो करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 499 है और यहाँ पे 500 ग्राम है, तो मतलब 1 ग्राम की यहाँ पे एरर है जिसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। जनरली 5-10% जो सॉइल होती है वो आपकी डस्ट फॉर्म में होती है जो उड़ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद कम्युलेटिव रिटेन परसेंटेज निकाल लिया आपने, कितना परसेंट हुआ ये, 2%, 35%, 55%, इस तरह से ये 100% लास्ट में आना चाहिए कम्युलेटिव, है ना। फिर हमें परसेंटेज फाइनल निकालना है, तो परसेंटेज फाइनल के लिए हमने 100 में से माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 98% फाइनल है, 2.2% फाइनल है। तो ये होता परसेंटेज फाइनल, यदि 50% से ज़्यादा आपका सॉइल पास होती है पर्टिकुलर 75 माइक्रोन सीव से, यहाँ देखिए यहाँ 0.2% है, तो ये सॉइल क्या है, ये कोर्स ग्रेन सॉइल है। यदि ये 50% से ज़्यादा फाइनर होती तो इस सॉइल को हम क्या कहते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल। ओके,
ये इसका ग्राफ है, इस ग्राफ को भी आप देख लीजिए, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। ये आपकी यहाँ पे ये आपकी वर्टिकल स्केल है, ये इस तरह से ग्राफ है, ये आपका परसेंटेज फाइनर है और यहाँ पे आपकी साइज है। इसको मैं आपको रोटेट करके दिखाता हूँ। ये इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, या फिर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये ग्राफ इस तरह से नॉर्मली प्रेजेंटेशन उसका होता है। ये यहाँ पे आपका परसेंटेज फाइनर है और यहाँ पे साइज है, और ये इस तरह से ये अलग अलग शेप में आगे आपको पढ़ने में आएगा कि ये वेल ग्रेडेड, कोर्स ग्रेडेड, प्योरली ग्रेडेड, फाइन सेंड, कोर्स सॉइल, तो ये अलग अलग साइज के ग्राफ्स होते हैं। आगे हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। चलिए तो आज इस वीडियो को यहीं में एंड करता हूँ, आगे हम नेक्स्ट इसका एनालिसिस देखेंगे, दूसरी मेथड्स भी देखेंगे इसमें क्या क्या होती है।